नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक राजा और एक बंदर की है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अब दोस्तों, किसी राजा के राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वह राजा का बहुत विश्वासी, विश्वासपात्र और भक्त था। अंतःपुर में भी वह बेरोक टोक जा सकता था। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा झेल रहा था, तो बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह मानती नहीं थी, उड़कर फिर वहीं बैठ जाती थी। बंदर को यह देखकर बहुत क्रोध आया। उसने पंखा छोड़कर हाथ में राजा की तलवार उठा ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार दे मारी। मक्खी तो उड़ गई, किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से दो टुकड़े हो गई और राजा मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि मित्रता हमें मूर्ख मित्र से नहीं करनी चाहिए, मित्रता हमें विद्वान से करनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।